तो उनकी अनेक पीढ़ियां ताली बजा बजा कर आशीर्वाद बरसाती है। देखो धन्य है हमारे वंश में ऐसा कोई हुआ है जो प्रभु की कथा करा रहे हैं। तो आप वास्तव में सब धन्य है जो कल सभी धन्य है, सबके पूर्वज खुश है। डेली माता पिता को प्रणाम करना चाहिए जिसकी माता पिता उपस्थित है। कौन कौन प्रणाम करता है डेली, जरा हाथ उठाओ। नहीं करते सब किया, रात में सो गए, किसने हमारी फोटो प्रणाम था। मात पिता गुरु नाम ही माता, राम जी ने हम सबको शिक्षा दी है। प्रातः काल उठकर माता पिता को पहले नमन करो। आप फिर देखना उनकी कृपा के बल से आप जीवन जहां भी ले जाओगे आपका सही दिशा की ओर जीवन जाएगा। नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपने यदि तैयारी की है तो तुरंत सफलता मिलेगी। लेकिन कब, जब प्रणाम जीवन में बड़ों को करोगे। पर प्रणाम ऐसा भी नहीं कि एक हाथ से कर लिया हो गया काम। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसका जीवन का पुण्य समाप्त हो जाता है। पुण्य का फल हाथों से प्रणाम करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि यदि सिर रख के पिता के चरणों में प्रणाम करोगे तो बहुत बाकी रिहारी खुश होते हैं। इतना नहीं कर सको तो कम से कम दोनों हाथों से चरण स्पर्श करना चाहिए। कैसे, दाएं हाथ से दाया चरण स्पर्श करो और बाएं हाथ से बाया। ये प्रणाम की विधि है। लेकिन आजकल तो भैया मराठी प्रणाम भूटा छोड़िया तो मुझे तो ये कहेगा बड़ा प्रणाम करने का शौक है ये नहीं। पर यदि मैं नहीं टूटता हूँ तो मुझे लगता है कि बिहारी जी मुझे दंड देंगे कि तुमको जब ज्ञान है तो बच्चों को टोको। एक हाथ से प्रणाम करेगा बच्चा तो उसका जीवन का पुण्य नष्ट हो जाएगा। प्रणाम दोनों हाथ से करना चाहिए ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए मैं एक डेढ़ मिनट आपका ले रहा हूँ इस बात पर। हाथ से प्रणाम करेगा बड़ा श्रद्धा से माता पिता को जरा हाथ उठाओ। फिर देखना जीवन में कमाल, संकल्प लेके तो देखो। आज शरद पूर्णिमा है, एक संत का बड़ा दिव्य भाव है। आइए कथा